गाड़ियों पर भी पथराव किया गया, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा पुलिस बल में भी कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको चोटें आई हैं, क्योंकि उस वक्त जब वहां पर पुलिस पहुंची तो लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद थे और उनके पास पत्थर और ईंट मौजूद थी। ऐसे हुआ पथराव, इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि कार पे पत्थर मारे जा रहे हैं, गलियों में किस कदर भीड़ मौजूद है जहां पर पत्थर चल रहे हैं। इस बीच इस हिंसा पर अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरी, पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबवाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। और मैं पढ़ना चाहता हूं, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष की सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब तो इस बात का है कि ऑर्डर मिलने के बाद ही संभल के जिलाधिकारी, संभल के पुलिस अधीक्षक आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे बाद ही सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिस समय पहली बार सर्वे हुआ है और कोर्ट के आदेश के बाद पूरा का पूरा सहयोग, जो भी वहां जिम्मेदार लोग थे, जो भी जिम्मेदार वहां पर मौके पे थे, सबने सहयोग किया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा अब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरता, नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी तरह की विरोध नहीं हुआ। 29 तारीख को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट के केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23 तारीख को रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया कि 24 तारीख को यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। आखिरकार पहले एक बार सर्वे हो गया, ये आदेश पुलिस प्रशासन को किसने दिया कि दोबारा सर्वे आपका होगा, जब पहले सर्वे में सब लोगों ने सहयोग मदद की, पूरा सर्वे हुआ, किसी को आपत्ति नहीं थी सर्वे पर, लेकिन जानबूझ कर करके। आगे शाही जामा मस्जिद की कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि एक सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है, कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया, अगर दूसरा सर्वे करना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए और सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वह इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्कल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवा दिया, बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस सिपाही से लेकर अधिकारी तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के लिए निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं, इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ गैर कानूनी घटना को अंजाम ना दे जा सके। और बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि संभल को बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आप बीजेपी की बात मानोगे तो गड्ढे में गिरोगे जाके, बीजेपी की बात मानोगे तो खाई में गिरोगे। बीजेपी वालों से पूछिए, क्या चुनाव कराया था आपने उत्तर प्रदेश में? कोई ऐसा मुसलमान भाई नहीं था जिसको इन्होंने रोका ना हो, लाठी से, बंदूकों से, गाली गलौज की इन्होंने। हम लोग लगातार कहते रहे और फिर बीजेपी के पास जवाब क्या? जब चुनाव आयोग को शिकायत की गई तो चुनाव आयोग ने खाना पूर्ति कर करके कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। क्या ये बता सकते हैं क्यों कार्रवाई हुई थी उनके ऊपर? और संभल के सांसद जिया रहमान बर्क से मेरे सहयोगी संजय शर्मा ने खास बातचीत की है, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। की घटना पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद वहां के सांसद जिया रहमान बर्क साहब। घटना जो हुई उसको लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है अखिलेश ने भी अभी आरोप लगाया कि वो आप तो मौजूद ही नहीं थे। देखिए, सिर्फ मेरा मसला नहीं है, वहां पर जो 5 मासूम लोगों की हत्या हुई है और कितने लोगों को साथ में जो इंजर्ड हैं दर्जनों के हिसाब से, और पुलिस ने फिर 800 के खिलाफ अननेम्ड और कई लोग धाराओं में नेम्ड जो मुकदमा दर्ज किया है, ये प्री प्लानिंग के तहत किया गया है। मुझे अफसोस है कि जब देश के प्रदेश और देश के रक्षा की अगर भक्षक बन करके काम करेंगे तो इसका लोकतंत्र संविधान कैसे चलेगा? आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है? एफआईआर लोग उनके पूरा कानून उनके हाथ में है, सरकार उनके हाथ में, जिसकी लाठी उसकी भैंस वो वाला चल रहा है। अब मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ मेरे क्या सारे जनप्रतिनिधि के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दे तो कौन रोकने वाला है? कौन है इस टाइम कानून व्यवस्था कायम रहे? कौन ऐसा समय है कि उस संविधान को के हिसाब से प्रदेश और देश चल सके? इस टाइम जो सूरत हाल उत्तर प्रदेश में है वो कहीं शायद दूसरे राज्य में नहीं होगी। मुझे अफसोस है कि पुलिस प्रशासन के लोगों ने जो प्री प्लान तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, मैंने और माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी ने मांग की है कि उन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको जेल में भेजना चाहिए, जिससे कि जिन लोगों की हत्या हुई है उनको परिवार को इंसाफ मिल सके। संभल जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाऊंगा, उनको इंसाफ मिल सके और उसके साथ साथ जो आने वाले समय में संभल कर जा रहे हैं। मैं जल्दी देखिए या तो कल में या परसों में संभल पहुंचूंगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस प्रकार मैं आपको बताता चलूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि आपने देखा होगा पुलिस प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई गोली नहीं चली और आपके सामने वीडियो इतनी सारी वायरल हुई है उसमें सीधे तौर पे स्टेट फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी असले के साथ साथ प्राइवेट असले से गोली चलाई गई है और इन अधिकारियों ने, कि जिससे कि इनका के कोई सबूत इनका एविडेंस नहीं मिल पाया। बीजेपी तो इस बात को खंडन कर रही है कि कोर्ट के आदेश पे सब कुछ हुआ था, लेकिन अगर बीजेपी के हिसाब से हम चलने लगे तो बीजेपी तो इस देश को बर्बाद करने पे तुली है। और हम बीजेपी ने क्या क्या नहीं कर किया अभी चुनाव के अंदर, क्या सूरत हाल करी है, किससे छुपा हुआ है? सब लोकतंत्र पूरा खत्म कर दिया और किस प्रकार मीडियाओं के साथ में क्या बर्ताव होता है, किससे छुपा हुआ है? बुरी तरह से मारपीट कर रहे हैं, किसी प्रकार की कानून व्यवस्था कायम नहीं है। मैं पूछना चाहूँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्यों उल्लंघन हो रहा है? मेरी मांग है, हम स्पीकर साहब से भी मिले हैं माननीय राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में, कि जिन लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके अब अननेसेसरी हरेसमेंट पैदा किया जाएगा, 800 की जगह 8000 या 20000 लोगों के खिलाफ अननेसेसरी लूटपाट की जाएगी, उनको टॉर्चर किया जाएगा, उस पर रोकथाम होनी चाहिए। और जिन अधिकारियों ने इस प्री प्लान के तहत ये काम किया है, जब एक सर्वे हो गया था दूसरे सर्वे की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस चीज का जवाब दे पुलिस प्रशासन। अगर दूसरा सर्वे करना था तो कोर्ट से आदेश लेकर के आते, कोर्ट के आदेश का वहां के लोगों ने पालन किया, कमेटी ने, और सर्वे कराया था, दूसरा आदेश लाते कराते, लेकिन उसके बावजूद भी सर्वे कराया, लेकिन उन्होंने प्री प्लान तरीके से हमारे लोगों की हत्या की है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का, अशोक सिंह। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त संभल में ही बने हुए हैं, वहां से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिया रहमान बर्क ये वाजिब सवाल पूछ रहे हैं, जब एक सर्वे हो गया था तो दोबारा सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी? अब वो अपने आप को पाक साफ भी बता रहे हैं, तो क्या वजह है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? कुछ तो मिला होगा ना पुलिस प्रशासन को?
देखिए, पुलिस प्रशासन का यहां पर कहना है कि वो सिर्फ फैसिलिटेटर थे, वो सिर्फ सिक्योरिटी प्रदान कर रहे थे। सर्वे के लिए जो टीम नियुक्त की गई थी, वो टीम को 29 नवंबर को कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट उनको दाखिल करनी थी, और इसीलिए एक बार में जब सर्वे पूरा नहीं हुआ तो सर्वे की टीम ने दोबारा आने की बात कही। उसकी इंफॉर्मेशन यहां पर पुलिस के मुताबिक, यहां पर जो इमाम है मस्जिद, देखिए इसके ठीक एपिक सेंटर पर मैं मौजूद हूं, यहीं पर इमाम को पुलिस के मुताबिक और प्रशासन के मुताबिक पूरी जानकारी दी गई थी, और उसके बाद सर्वे की टीम अपने तय समय पर, क्योंकि पहले से पता था कि आने वाली है सर्वे की टीम, इसीलिए से यहां पर एक दिन पहले से सुरक्षा फिर से पूरे इलाके में बढ़ा दी गई थी। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं यहां पर सुबह पूरी तरीके से बैरिकेटिंग की गई थी 7 बजे के आसपास से, और 7:30 बजे के आसपास सर्वे की टीम यहां पहुंचती है, तो 7 बजे से ही लोगों की भीड़ यहां आसपास जुटनी शुरू हो जाती है। हल्की फुल्की नारेबाजी होती है। पुलिस का कहना है कि पहली बार 9:15 बजे के आसपास कुछ लोगों ने इस इलाके से, जो ये बैक साइड का इलाका है मंदिर, इधर मैं कहूंगा जगन, आप ये पूरा जो गली का इलाका है ये दिखाइए जहां पर पुलिस की मौजूदगी है, इस इलाके से पहली बार बैक साइड से कुछ पत्थरबाजी होती है। पुलिस ने उनको खदेड़ा और थोड़ी देर में ही मामला शांत हो गया। उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी थी जो मस्जिद के अंदर जो सर्वे की टीम जो आई थी करने के लिए, उनको सुरक्षित पूरा हो जाने के बाद बाहर निकालना। 10:30 बजे के करीब सर्वे पूरा होता है, और उसके बाद सर्वे की टीम जब बाहर निकलती है, सर्वे की टीम यहां से जब चली जाती है, तो मस्जिद के इमाम यहां से एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई सर्वे पूरा हो चुका है। ये सुनते ही एकदम से जो यहाँ का प्रशासन, उसका कहना है कि तीन तरफ से, ये सामने का इलाका आप देखिए जो अब आपको यहाँ पर पूरी तरीके से शांति नजर आएगी, एक ये गली का दूसरा हिस्सा और जो फ्रंट का हिस्सा है, वहां से तीन तरफ से एकाएक बेहद जबरदस्त तरीके से पत्थरबाजी की गई। जब मैं कल यहां पर नेहा था तो यहां की जो पूरी कंडीशन थी, यहां पर पैर रखने की जगह नहीं थी, हर तरफ पत्थर ही पत्थर थी। यहां पर जो गाड़ियां, जो बाइक, जो पुलिस वालों की खड़ी थी, उनको आग के हवाले कर दिया गया। इतनी जबरदस्त पत्थरबाजी हुई थी कि उसके कुछ निशान अभी भी आपको ये देखिए जो मस्जिद का बैक साइड का स्लोप है यहां पे नजर आएगा, उसके फुटेज भी अभी हमें कुछ मिले हैं, जिसमें ड्रोन फुटेज भी है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से भीड़ ने पथराव किया था। उसके बाद पुलिस अपनी तरफ से अब ये कह रही है कि पुलिस की तरफ से किसी लेथल वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ, रबर गन चलाई गई थी, पैलेट्स गन चलाई गई थी, और साथ साथ आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, लोगों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया गया था। पुलिस साफ तौर पर मना कर रही है कि कोई लेथल वेपन का इस्तेमाल हुआ। पुलिस कह रही है कि जिन 4 लोगों की मौत की पुष्टि यहां पर नेहा की जा रही है, उन 4 लोगों की जब हमने पुलिस से जानना चाहा कि मौत की वजह क्या है, आखिर कैसे मौत हुई, क्या गनशॉट इंजरी है, ऑफिशियली जब हमने ये जानने की कोशिश की, तो पुलिस का कहना है कि जब तक उनके पास चार्जशीट, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक वो इस बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे कि कहां किन परिस्थितियों में जो 4 युवकों की मौत हुई है उसकी जांच की जाएगी। 7 FIR इस पूरे मामले में दर्ज किए गए हैं नेहा, जो 7 FIR है, 5 यहां से चंद कदमों की दूरी पर जो थाना कोतवाली है, उसमें से 5 FIR थाना कोतवाली में दर्ज किया गया है, जिनमें से एक चौकी इंचार्ज जो इलाके के हैं, उनकी जो FIR उनकी तरफ से दर्ज कराई गई है, उसी में जो सांसद हैं यहां के जियाउर रहमान बर्क उनके खिलाफ दर्ज की गई है, और ये बोला गया कि उनको पहले भी नोटिस दिया गया था कि आप जो भाषा है वो लोगों को उकसाने वाली नहीं होनी चाहिए, तो इस तरीके की भाषा न इस्तेमाल करें, इसको लेकर के नोटिस दिया गया था, और उनके पिता को पाबंद भी किया गया था 10 लाख रुपए के मुचलके पर। ये पुलिस का ऑफिशियली वर्जन है इस इलाके के जो संभल के DM है उनकी तरफ से। उसके बाद उनका कहना है कि जब भीड़ इकट्ठी हुई और जब इस तरीके का पथराव हुआ, लोगों के जानमाल की बात बनाई, तब पुलिस ने बल प्रयोग करके उनको यहां से हटाया। बहरहाल पूरे मामले की इंक्वायरी की जा रही है, मजिस्ट्रियल जांच, क्योंकि संभल में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सियासी बयानबाजी भी वहां पर हो रही है, और जहां वहां के लोकल सांसद हैं वो अपने बचाव में तमाम बातें कह रहे हैं। इस बीच यूपी सरकार भी संभल के आसपास के जिलों में सतर्कता बरत रही है, तमाम जगह बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस तलाशी ले रही है। संभल में हुई हिंसा के बाद पुलिस काफी तत्पर दिखाई दे रही है और तैयारी है दूसरे इलाकों में भी ये देखने की कि कहीं किसी तरह के असामाजिक तत्व दूसरे इलाकों में हिंसा ना फैलाएं। हम इस समय अमरोहा और मुरादाबाद के बीच में हैं और इलाकों पर आप देखेंगे 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, उनकी तलाशी ली जा रही है। ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई असामाजिक तत्व दूसरे इलाकों की ओर तो नहीं बढ़ रहा है। तो बड़ी संख्या में जो सीमावर्ती इलाके हैं आप देखेंगे बैरिकेड लगाए गए हैं, पुलिस यहां पर खड़ी है। हालांकि संभल में हालात को नियंत्रण में लाने के लिए
जैसे पहले धारा 144 लगाई जाती थी बीएनएस की नई धारा के तहत, वहां पर रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स लगाए गए हैं, अफवाहें ना फैलें, इंटरनेट पर वीडियोस के जरिए हिंसा को और ज्यादा बढ़ावा ना मिले, इसलिए इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया संभल में। लेकिन जो दूसरे इलाके हैं उससे लगते हुए अमरोहा, मुरादाबाद, यहां पर आप देखेंगे कि जितनी गाड़ियां हैं उन सबको रोका जा रहा है, उनकी तलाशी ली जा रही है। थोड़ी सी ये सतर्कता जरूरी है बरतने की कि किसी तरह के उपद्रवी तत्व, असामाजिक तत्व जो हैं वो इसका फायदा ना उठाएं। तो कड़ी जो आप देख रहे हैं कि ये जो कड़ी सुरक्षा यहाँ पर लगाई गई है व्यवस्था, वो इसीलिए है कि कम से कम दूसरे इलाकों में उसका असर ना हो और हिंसा और ज्यादा ना फैले। हालांकि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, 4 लोगों की मौत हुई है, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और इंटरनेट बंद कर दिया गया है, सख्ती बरती जा रही है, स्कूल कॉलेज भी बंद हैं और ये उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी ही संभल के हालात सिर्फ न संभलें बल्कि ये भी कोशिश हो कि दूसरे जिलों में, आसपास के दूसरे शहरों में हिंसा न भड़के। फिलहाल अमरोहा और मुरादाबाद के बीच में आशुतोष मिश्रा, आज तक।